मिस्त्री? हाँ, सूरजमल ने बनवाया था। भरतपुर का राजा सूरजमल ने? सूरजमलिया, सूरजमल राजा थे भरतपुर के। अच्छा, तो उन्होंने दिल्ली का किला लूटा था एक बार औरंगजेब के समय में। अच्छा, उसका लूटा हुआ खजाना इस सरोवर के अंदर है। अरे बाप रे, नारायण पांडुरंग। हाँ, ये 420 फुट गहरा है। 420 फुट? हाँ, बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। हाँ जी, इसके अंदर चार कुएं बने हुए हैं। अच्छा, जो पाताल तोड़ पानी अपने आप सतह पानी देते हैं। अच्छा, इधर भगवान के नहीं आने दो लीला किए हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, राधा रानी की चोटी को गूथा है, बैडू लीला की है इधर। अच्छा, और दूसरी लीला जब भगवान द्वारका को चले गए हैं, द्वारका नाथ हो गए हैं जी जी, तब उन्होंने उद्धव भगवान को इधर भेजा है। अच्छा, उद्धव जी को यहाँ पे, उद्धव जी को इधर भेजा है। उधर उद्धव भगवान का मंदिर है जी जी, यहाँ पर उद्धव जी का। ये वन बिहारी जी का मंदिर है, ये जो टेम्पल है। अच्छा, माली बाबा रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर स्थान है महाराज। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर है। यहाँ से लेकर के और आपको अब दान घाटी की तरफ जाओगे, जितनी भी छतरियाँ पड़ेंगी वो सभी भरतपुर नरेश की है। अच्छा, राजा मान सिंह, राजा बच्चू सिंह। अच्छा, ये राज घराने की सभी छतरियाँ हैं जी, उनकी जो रानी थी वो गिरिराज जी को वशिष चाहती थी गिरिराज जी के दर्शन को, तो उनकी यादगार में उनकी समाधि बना दी है ऊपर। अच्छा, चरण चिन्ह है ये दर्शन है। थैंक यू। श्री राम नाम दीप नारायण दास बाबा कहते हैं, भोलेनाथ की सेवा में रहते हैं। ब्रज 84 कोस में चार गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंद गांव। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, सो कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आदि। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, अब आई आपकी मुक्ति वाली बात। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति बताए। यानी कि जो मुक्ति है सभी को मुक्ति देती है, भक्ति मुक्ति देती है, जो भोगता है उसको मुक्ति मिलती है। जैसा जिस प्रकार भोगता है मुक्ति मिलती है, भक्ति मुक्ति देती है। वो कन्हैया से हमारे से पूछ रही है, कहे गोपाल तू मेरी तो मुक्ति बता कैसे देना। हाँ, मेरी तो मुक्ति काऊ साहब से, भाई मैं सबको मुक्ति दे रही हूँ, तो मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी। हाँ, तो हमारे कन्हैया कह रहे हैं, मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति बताए। तो कन्हैया कह रहे हैं, पड़ी रहो या गैल में, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत तब जाए, ओढ़ ओढ़ रज मस्तक लगे, सो सहज मुक्त है जाए। तेरी मुक्ति तो वैसे ही आ जाएगी, तेरी तो मस्तक जो रज लग रही है, मुक्ति हर जगह व्याप्त है कन्हैया। जो ब्रज की रज है, रज है ब्रज की, इससे ही मुक्ति हो जाएगी। उड़ उड़ के जब साधु संत जाएंगे इस परिक्रमा मार्ग में होंगे, तब उसकी रब जब धूल उड़ेगी, तो तेरे माथे जो धूल लगेगी ना, उसी से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रज की रज है, ब्रज से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रज रज ही कन्हैया ने, स्वयं कन्हैया ने हमारे में ब्रज रज खाई थी। ब्रज रज खा कर तीनों लोग दिखा दिए, तीनों लोग इसी में है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जी, ब्रह्मांड घाट नहीं महाराज, ब्रह्मांड को दिखाए थे, पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दे, तीन लोग और पाताल लोग, तीनों लोग दिखा दे, दिखा दे यशोदा मैया का। हाँ जी, मैया का बड़ा गई, इसमें तो समुद्र है, धारा है, नदी है, नाले। रे कन्हैया ये क्या बवाल है, तुम मट्टी खाई के क्या खाए, दिखा रहा है।